B2B का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आइडियल कस्टमर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आइडियल कस्टमर्स के बारे में। कोई भी कंपनी में वो जब भी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं तब उनको वो कौन से कस्टमर को बेच रहे हैं उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस आप हर किसी को बेच रहे हो और हर कोई आपका कस्टमर है तो इससे आपका मार्केटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आपको बहुत अलग अलग जगह पे मार्केटिंग करने पड़ेगी। उससे जो लीड जनरेट होगी वो इररिलेवेंट लीड भी आ सकती है, और अगर इररिलेवेंट लीड आपके सिस्टम में आती है तो आपके सेल्स टीम को बहुत डिफिकल्ट होगा उस लीड को क्लोज कर पाना, और अगर वो उस लीड को क्लोज भी करते हैं तो ऑपरेशन टीम को उस कस्टमर को समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इन शॉर्ट, अगर आपके पास आपके आइडियल कस्टमर का पिक्चर क्लियर नहीं है तो आपका बिजनेस में आप कुछ ज्यादा ही स्पेंड कर लेंगे। तो आज समझते हैं कि आइडियल कस्टमर होता क्या है और उसको कैसे हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। तो आप कोई भी इंडस्ट्री को अगर कैटर कर रहे हो तो आपको आपके कस्टमर को ये 5 सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। नंबर 1, कि आप जिस कस्टमर को बेच रहे हो वो कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, क्या वो खुद B2B इंडस्ट्री से है या B2C से है, वो रिटेल में है या फिर होलसेल में है या फिर वो ऑटोमोबाइल में है, या कौन से, मतलब आपको उस कस्टमर की इंडस्ट्री पता होना और कौन से इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है ये पता होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको उस कंपनी का जो भी कस्टमर आपसे खरीद रहा है उसका साइज पता होना जरूरी है। अभी आप ये साइज मेजर कर सकते हो उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉई से, या फिर उसके ब्रांचेस कितने हैं, वो कितना बड़ा कंपनी है, या फिर उसका टर्नओवर से, आपका प्रोडक्ट कौन से टर्नओवर की कंपनी अफोर्ड कर पाती है और कौन से टर्नओवर की प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूज कर पाती है, वो आपको पता होना जरूरी होता है। उसके बाद डेजिग्नेशन, आपका प्रोडक्ट जो बंदा परचेज डिसीजन लेता है वो उस कंपनी में कौन है, क्या वो उस कंपनी का CEO है या फिर उसका HR है या फिर उसका मैनेजर है या उसका मार्केटिंग हेड है या एडमिन है। आपको उस पर्टिकुलर बंदे का डेजिग्नेशन होना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है कि आपने समझो कि TCS में उसका टर्नओवर भी क्वालिफाई कर रहा है, बट एक ऐसा कस्टमर है जो TCS में बहुत क्लर्क लेवल पे काम करता है, तो वो लीड आपके लिए काम का नहीं हो सकता क्योंकि उसका डेजिग्नेशन मैच नहीं कर रहा है, उसके पास वो अथॉरिटी ही नहीं है जो आपके प्रोडक्ट को अप्रूवल दे सके। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कौन से डेजिग्नेशन वाला बंदा है जो आपको लीड आइडियल कस्टमर हो सकता है। उसके बाद आपको लोकेशन जानना जरूरी है कि आपके प्रोडक्ट का क्या लिमिटेशन है, आप कौन से लोकेलिटी पे या फिर डेमोग्राफिक पे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, फिर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जहां तक कस्टमर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी अगर समझो कि आपका कोई शॉप है जो मुंबई में है बट आपके पास लीड जनरेट हुई वो गुजरात में हुई और आप वहां पे सर्विस नहीं दे पा रहे, तो इन दैट केस व्हेन यू आर जनरेटिंग अ कस्टमर यू नीड टू नो कि वो कौन से लोकेशन पे है। और फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि उसका स्टेज क्या है, क्या उसने जस्ट बिजनेस शुरू किया है या फिर वो कोई एक्विजिशन या फिर मर्जिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या फिर उसका करंट एक्टिविटी भी पता होना जरूरी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कि उसने अभी एग्जीबिशन में पार्ट लिया है तो आपके प्रोडक्ट की उसको जरूरत हो सकती है, वो ज्यादा अग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहा है तो आपके प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत हो सकती है, तो उसकी एक्टिविटी जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के नीचे मैंने एक टेम्पलेट दिया है आपको, अब वो टेम्पलेट डाउनलोड करो और उस टेम्पलेट में मैंने डिटेल में आपको क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपका आइडियल कस्टमर फॉर्म करने में। ट्रस्ट मी, जिस दिन आपको आपका आइडियल कस्टमर पता चल गया और आप उसके लिए फोकस मार्केटिंग करना शुरू कर दिए तब आपका इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ेगा और आपका सेल्स टीम बहुत बेटर परफॉर्मेंस देना शुरू करेगा। तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में।